पिछले साल 13 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद इस स्वतंत्रता दिवस पर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। सेना के 3 जवानों समेत कुल 4 कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। सेना के अन्य 2 कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ताओं में राइफलमैन रवि कुमार और मेजर एम नायडू भी शामिल हैं। चलिए ऐसे में जानते हैं कौन है शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह। पापा बस एक बार आ जाओ फिर मिशन पर चले जाना, ये पुकार है एक 7 साल के मासूम कबीर की, जो इस आस में है कि एक रोज उसके पापा घर वापस जरूर आएंगे। पर वो मासूम इस बात से अनजान है कि उसके पापा जहां गए हैं वहां से अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। माँ की नजरों से बचकर फुसफुसाकर कबीर अपने पिता को मैसेज भेजता, वीडियो कॉल करता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के गडूल गाँव में 13 सितंबर 2023 को आतंकियों की फायरिंग में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह भी शामिल थे। 19 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के सम्मानित कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के लारकीपोरा, जालदूरा और कोकरनाग के सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में नायक के रूप में याद किया जाता है। उनको शहीद हुए करीब 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनका 7 साल का बेटा कबीर आज भी अपने पिता के मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजकर उनसे घर आने को कहता है। कबीर को लगता है उसके पिता ड्यूटी पर हैं। पंजाब के मोहाली में रह रही कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी जगप्रीत कहती हैं कि बेटा छुप छुपा कर अपने पिता को वॉइस मैसेज करता है। वो कहता है पापा बस एक बार आ जाओ फिर मिशन पर चले जाना। शहीद मनप्रीत की पत्नी कहती हैं कि उनके पति कश्मीर में लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अक्सर मान यानी कर्नल मनप्रीत को रात में लोगों के फोन आते, वे तत्काल उनकी मदद के लिए निकल जाते थे। कभी किसी को अस्पताल पहुंचाते तो कभी किसी की निजी मदद करते थे। लोग उन्हें बहादुरी, नेतृत्व और निस्वार्थ बलिदान के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। उनकी विरासत लोगों के दिलों में जिंदा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर वीरगति को प्राप्त हुए कर्नल मनप्रीत सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। सेना के 3 जवानों समेत कुल 4 कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। 26 बरस के राइफलमैन रवि कुमार राणा भी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जहां कुछ ही महीनों बाद रवि राणा की शादी की शहनाई बजने वाली थी, उससे पहले ही वे वीरगति को प्राप्त हो गए। राइफलमैन रवि कुमार राणा को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मेजर एम नायडू को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।